नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। हम बात करेंगे आज लाइसिन के ऊपर। लाइकोपोडियम का अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है लाइसिन। ये एक ऐसी दवाई है दोस्तों जो कि प्योरली नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम की जितने भी गड़बड़ियाँ हैं, बहुत वायलेंट कैरेक्टर का, स्ट्रामोनियम की तरह, और हायोसेमस, एविना सटेवा, कालीफॉस, ये जितने भी कैटेगरी है नर्वस सिस्टम का, सबसे हाई रेंज में ये काम करता है लाइसिन। लाइसिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैड डॉग, जो रेबिड डॉग, जो पागल बन जाते हैं कुत्ते, रेबीज़ के जो वायरस है उससे अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसके लार से ये पोटेटाइज करके बनाया जाता है लाइसिन। इसको हाइड्रोफोबिनम भी कहते हैं क्योंकि ये बीमारी हाइड्रोफोबिया बनाता है और उसको क्योर भी करता है। जब इसको पोटेंटाइज करके देखा गया, उसके जो जो सिम्टम्स निकल के आए, उसका प्रूविंग होने के बाद इसको उसी बीमारी में इस्तेमाल किया गया और ये परफेक्टली क्योर करता है। आपको पता होगा जब एक पागल कुत्ता जो कि मैड डॉग, रैबिट डॉग है, वो किसी को काटता है, फिर उसके बाद उसमें जो जो सिम्टम्स आता है वो तमाम सिम्टम्स इस दवाई में आपको मिलेगा। जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, पानी के देखने से या फिर उसके आवाज़ से, किसी भी तरह का बीमारी क्यों ना हो, वो अगर बढ़ जाता है तो आप हमेशा इसको याद रखना, ये दवाई परफेक्ट रहेगी। चाहे उसको रेबीज़ हो ना हो, किसी भी तरह का बीमारी, वाटर के साइड मतलब उसको देखने भर से, या फिर उसके आवाज़, जो कलकल की आवाज़ आती है, या फिर एक ग्लास से दूसरे ग्लास में जब हम उसको डालते हैं, जो उसकी जो आवाज़ होती है उससे, कोई तेज रोशनी से, डेजलिंग लाइट बोलते हैं, कोई भी तेज रोशनी, चाहे वो सूरज का हो या फिर आईने से टकराकर कोई भी ऐसे तेज रोशनी आए, तो भी उसको डर लगता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तेज हवा का झोंका है, उसको बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये जितने भी हाई रेंज का जो नर्वस इरिटेशन होता है वो लाइसिन में बहुत बढ़िया काम देता है। आप अगर एलन्स की नोट पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने कंपैरिजन करके दिया है इसके जो जो एक पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं, उसको उन्होंने दूसरे दवाइयों के साथ कंपेयर करके दिया हुआ है। जैसे कि नर्वस इरिटेशन और एंगर, वो रेज, वो वायलेंट, उसको स्ट्रामोनियम के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। कहीं पर अगर ऊंड हो जाती है, वो पूरा गैंग्रीन की तरह वहाँ पर नीला पड़ जाता है, तो उन्होंने उसको लकेसिस के साथ कंपेयर किया है। और ये जितने भी डिफरेंट तरीके से कैरेक्टर है, आप एलेंस की नोट पढ़िए, बढ़िया सा उन्होंने कंपैरिजन किया है ये लाइसिन के साथ। तो आमतौर पर सिंपल सी दवाई है, आप इसको हाइड्रोफोबिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो रैबिट डॉग ने किसी को काट लिया, तो इसको राजीव दीक्षित जी ने भी कहा है, आपने वीडियो में उनको देख सकते हैं। और ये आमतौर पर होम्योपैथिक का बहुत ही बेहतरीन दवाई है, एलोपैथिक में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो इंसान मर जाता है। लेकिन अगर किसी को ये रैबिट डॉग काटे, लाइसिन 200 का, जी हाँ दोस्तों 200 का, 200 सेंटीसिमल पोटेंसी होती है, हर दो दो तीन तीन बूंद, हर 15-15 मिनट में 4-5 बार दे दीजिए, फिर उसके बाद ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे, ये मिनिमम 2-3 दिन आप दे दीजिए। पहले दिन आपको रिपीटेडली देना है, दूसरे दिन से दिन में 3-4 बार करके देना है, फिर ऐसे 2 दिन और करना है। प्योरली ये उसको प्रिवेंट करेगा, ऐसा कई केसेस में देखा गया है। तो आमतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं सवाल कि हमको टिटानस देना चाहिए कि हमको कुत्ते काटने वाले इंजेक्शंस देना चाहिए कि, देखिए ये साइकोलॉजिकली बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, और ये इस कदर इफ़ेक्ट कर रहा है कि आजकल दवाई मिल भी नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाएँ, ARV सेंटर्स में, और आपको पता चले कि वहाँ पर दवाई ख़त्म हो गई है, और उस केसेस में बहुत फर्जरी होती है वहाँ पर, मतलब ऐसा बिजनेस का ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है कि सरकार के सप्लाई हुए जो दवाइयों को
कुछ अस्पताल में फेंका जा रहा है, या फिर उनको ऐसे गुम कर दिया जा रहा है ताकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर, प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जाकर वो दवाई खरीदे और उनको बड़े चढ़े दाम में बेचा जाता है। ये जितने भी इंजेक्शंस होते हैं एंटी रेबीज़ का, ये जो वैक्सीन्स होते हैं ARV एंटी रेबीज़ वैक्सीन्स, हाई कॉस्टली, मतलब 4,000 5,000 10,000, बहुत ही मतलब चढ़े हुए दाम में इनको बेचा जाता है। और जो बेचारा जिसको कुत्ते ने काटा है वो करे भी तो क्या करे, बाध्य होकर वो हाई रेट में भी वो इंजेक्शन खरीदता है और अप्लाई करता है। तो सरकार को भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे, और आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको भी सचेत होना पड़ेगा। आप कभी भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो, कोई कुत्ता आपको काटे, चाहे वो रेविड हो ना हो, लाइसिन अपने घर में ज़रूर रखिए। 30 हो 200 हो कोई भी पोटेंसी चलेगा, इसको रिपीटेडली आप दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस जगह पे भी कुत्ता काटे उस जगह में आपको हल्दी का लेप करना है, बाकी साबुन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है उस जगह पर, हल्दी का लेप करना है। मिनिमम दिन में 3 से 4 बार आपको लेप करना है, और ये मिनिमम 4 से 5 दिन आपको करना है जब तक वो घाव थोड़ा सूख ना जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, दूसरे वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे। नॉर्मल जो सिम्टम्स है लाइसिन के आपको मेट्रिया मेडिका में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ क्लिनिकल टिप्स बता रहा हूँ जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा मदद करेगी, और इसको ध्यान में रखिए। कोई आपको कुछ भी बोले आप घबराइएगा मत, बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे टिटानस में हाइपेरिकम, लिडमपाल, ये सब काम करता है। मैंने कई बार कहा है ये इमरजेंसी के जो इंजरीज है, जैसे दूसरे जो चोट है वहाँ पर स्टापिस एग्रिया है, आर्निका है, ये सब दवाइयाँ काम करता है। ये जो रैबिट डॉग जो कुत्ता काटता है उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइसिन बहुत बढ़िया काम करता है। कई बार हमने क्लिनिकल इसको ट्रायल एंड टेस्टेड किया है और बढ़िया रिजल्ट मिला है। बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमने मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा है, ये जो एग्रावेटेड करने वाले जो चीज़ें होती है अगर उनमें पाया जाता है वो लक्षण, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। आप 30 से शुरुआत करिए, फिर उसके बाद 200 में, फिर 15-20 दिन या 1 महीने के बाद उसमें अगर इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया तो आप 1 mg का भी अप्लाई कर सकते हैं सिंगल डोज, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है जब क्रॉनिक केस होता है। एक्यूट केस में आप बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब ज़िंदगी का सवाल होता है तो 230 में आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिडमपाल में भी कहा था कि अगर बिच्छू ने काट लिया हो तो लिडमपाल 200 हो 30 हो आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह से लाइसिन को भी आप रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दूसरे वीडियो में कहा कि 200 को रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो क्रॉनिक डिजीज़ है, ये एक्यूट प्रॉब्लम है। दोनों का अंतर समझिए आप, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो लाइसिन के बारे में आज हमने जाना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा काम में आएगी। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, और उनको बताना, उनको एहसास दिलाना आपका काम है जो भी वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप अपने हर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कभी भी कोई भी कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, आप घबराइएगा नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई है होम्योपैथी में। तो ये जो हाइड्रोफोबिया है इसके लिए इलाज है लाइसिन, और रिपीटेडली आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी दूसरे इस तरह से बीमारियां हैं उसके रिलेटेड, उसके सिम्टम से रिलेटेड, जैसे वो खा नहीं पाता, अंदर कोई भी चीज़ निकल नहीं पाता, थ्रोट जाम लगता है, वायलेंट एंगर होता है, हर चीज़ से घबराता है, ऐसा लगता है कि पागल हो जाएगा, गुस्से से चिल्लाता है, बहुत तेज़ी से बातें करता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंड के सिम्टम्स है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी अगर आपको मिले तो आप लाइसिन बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। हर चीज़ से उसको भय रहता है, कोई भी डजलिंग लाइट हो, पानी का बहाव हो, देखना हो, ये तमाम चीज़ें मैंने पहले भी बताए,
तो आप हमेशा इन छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं इनका ख्याल जरूर रखिए। दवाई बढ़िया काम करती है और बहुत ही असरदार दवाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। गुड नाइट टू ऑल।